यह क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 1.1 से शुरू कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि खेती, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है पद्धतियाँ, कृषि की पद्धतियाँ, यानी खेती कितने तरीके से होती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, इसको पढ़ना। टिल 10,000 BC, टिल माने तक होता है, 10,000 BC मतलब ईसा से 10,000 पूर्व, पीपुल वेयर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, जिसको खाना बदोश भी कहते हैं, जो कुछ जगह पे रहते हैं फिर उसके बाद दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो 10,000 ईसा पूर्व जो लोग थे वो घुमक्कड़ थे। दे वेयर वांडरिंग, वे भटकते रहते थे इन द ग्रुप, समूह में, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड का मतलब होता है भोजन, सर्च माने तलाश में, भोजन की तलाश में, और शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह, मतलब रहने की, जहाँ उनको अच्छी जगह मिल जाती थी और जहाँ उनको भोजन मिल जाता था उस जगह पर वो क्या होते थे, ठहर जाते थे। दे एट, वे खाते थे रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ, एंड स्टार्टेड हंटिंग, और उन्होंने शिकार की शुरुआत किया, एनिमल्स, पशुओं की, फॉर फूड, भोजन के लिए, उन्होंने भोजन के लिए पशुओं का शिकार की भी शुरुआत किया। लेटर बाद में, दे कुड कल्टीवेट लैंड, उन्होंने खेती करना भी प्रारंभ किया, एंड प्रोड्यूस राइस, और चावल बोया, वीट गेहूं बोया, एंड अदर फूड क्रॉप, और दूसरी भोजन की फसलों को बोया। क्रॉप माने फसल होता। दस माने इस प्रकार वाज बॉर्न एग्रीकल्चरल, इस प्रकार खेती की शुरुआत हुई। बॉर्न माने पैदाइश होना होता है, लेकिन यह शुरुआत से लिया गया, इस प्रकार खेती की शुरुआत हुई। वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, सेम का मतलब एक जैसे, काइंड माने प्रकार, जब एक जैसे प्रकार के प्लांट, पौधे कल्टीवेटेड, उगा दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर, ऑन ए लार्ज स्केल, एक बहुत बड़े पैमाने पर, इट कॉल्ड क्रॉप्स, उसे क्रॉप कहा जाता है, उसे फसल कहा जाता है। जैसे गेहूं का अगर बहुत सारा पौधा आप एक ही जगह पर लगा देंगे तो उसे हम गेहूं की फसल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ द व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन ए फील्ड आर दैट व्हीट। जैसे अगर गेहूं के बहुत सारे पौधों को उगा दिया जाए तो उसे हम गेहूं की फसल कहेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप आर ऑफ द डिफरेंट टाइप, फसलें जो होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, लाइक सीरियल, जैसे कि अनाज, वेजिटेबल, सब्जी एंड फ्रूट, और फल। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ये मौसमों के आधार पर भी क्लासिफाई होती हैं, वर्गीकृत होती हैं। इन विच दे ग्रो, जहाँ पर ये ग्रो होती हैं, जहाँ पर ये उगती हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, वास्ट माने होता है विशाल, इंडिया एक विशाल देश है, कंट्री माने देश होता है। द क्लाइमेटिक, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, क्लाइमेटिक का मतलब जलवायुवी कंडीशन, परिस्थितियाँ, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जैसे कि तापमान, नमी और बारिश, वैरी बदलती रहती है, फ्राम वन रीजन टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये सारी जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो क्या होती हैं, बदलती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, नमी और बारिश। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच, वैरायटी ऑफ क्रॉप, यहाँ पर बहुत सारे फसलों के प्रकार ग्रोन उगाए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग भागों में ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में अलग अलग
फसलों के प्रकार उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस प्रकार की विभिन्नता, टू ब्रॉड क्रॉपिंग, इस प्रकार से हम फसलों को दो बड़े पैमाने पर, पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, दो बड़े पैमानों पर हम फसलों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पहचानते हैं, दीज आर। तो ये जो फसलों के समूह हैं वो क्या हैं, पहला जो समूह है वो है खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, सोन का मतलब बुआई करना, ऐसी फसलें जिनकी बुआई रेनी सीजन में होती है, बरसात के मौसम में होती है, कॉल्ड खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप, उसे खरीफ की क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्राम जून टू सितंबर, इंडिया में जो बरसात का मौसम होता है जून से सितंबर तक होता है, पैडी धान, मैज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन, कॉटन जानते हैं, सूत आर द खरीफ क्रॉप, ये जो है खरीफ क्रॉप की फसलें कौन कौन है, पैडी धान है, माज मक्का है, मैज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। अब देखिए रबी क्रॉप क्या है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, जिसको हम बारिश के मौसम में उगाते हैं, अक्टूबर टू मार्च, कब से कब तक, अक्टूबर से मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, उसे रबी की क्रॉप कहते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, विंटर माने होता है ठंडक का मौसम, शायद मैंने गलत बता दिया था, विंटर सीजन ठंडक के मौसम में, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, उसे रबी की क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल द रबी क्रॉप आर वीट ग्राम, जिसमें वीट आता है, गेहूं आता है, ग्राम चना आता है, पी माने मटर आती है, मस्टर्ड माने सरसों आती है, एंड द लिनसीड और अलसी आती है। बिसाइड दिस पल्स, इसके अतिरिक्त दालें आती हैं, एंड द वेजिटेबल और सब्जियां आती हैं, आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मेनी प्लेस, और कुछ जगहों पे सब्जियां और दालों को भी उगाया जाता है।